आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर में पढ़ना कैसे सीखते हैं बच्चे, या उच्चारण कैसे करें, या शब्द को कैसे पहचान, इस पर विचार अर्थात देखें हम क्या है अभी डीएलएड फर्स्ट ईयर हिंदी भाषा शिक्षण पर विचार, इस पर हिंदी भाषा शिक्षण, ठीक है। तो हिंदी भाषा शिक्षण पर क्या है, जैसे अभी हम डीएलएड में जो सीख रहे हैं, अर्थात अगर हम डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं मतलब हम कौन सी क्लास को पढ़ाने जाएंगे, पहली से लेकर के पांचवी तक, उसके बाद चाहे नर्सरी हो, KG1 KG2 क्लास 1 से लेकर क्लास 5, इसको हमको क्या करना है, बच्चे को अध्ययन कार्य कराना या पढ़ाना या सिखाना, ठीक। तो जो छोटे बच्चे अर्थात जो न्यू है पढ़ाई, जो बच्चे क्या होते हैं उसको जो सीखना मतलब उसको पता नहीं होता कि आप क्या, उसको क्या करना उसको बताना है, तो बच्चे क्या करते हैं या तो देख के सीखते हैं, ठीक, या तो नकल करके सीखते। नकल करना अर्थात जो बड़े कर रहे हैं मतलब उसके पापा क्या किए, बॉल ऐसे पकड़ कर हाथ ऐसे हिला रहे, बॉल कैसे कर ऐसे कर कैसे फेंक रहे, मतलब बच्चे भी क्या करेगा उस बॉल को ऐसे पकड़ के फेंकेगा, इससे क्या होगा देख कर सीखे, नकल कर किसके, अपने पापा, ठीक। अब उच्चारण करके सीखना, तो जैसे हम बोल रहे हैं किसी चित्र करके बता रहे हैं बेटा यार आम का फल है, यह पेड़ है, यह जल है, यह कुछ बर्तन है, ऐसे करके क्या करते हैं उसको बताते हैं, तो क्या होता है भाषा से सीखना, किससे सीखना भाषा से, ठीक। तो हम उसी भाषा से सीखने पर या बच्चों को ऐसे सिखाना है इसमें क्या करते हैं विचार करते, ठीक। तो इसके लिए डीएलएड फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन बनता है जो हर साल आता ही है, ठीक। तो देखिए हमारा प्रश्न यह है पढ़ना सीखने के किन दो विधियों का वर्णन कीजिए, बच्चा पढ़ना कैसे, हमारा टॉपिक क्या है पढ़ना, सिर्फ अभी बच्चा पहले पढ़ना उच्चारण करना बोलना सीखता है हिंदी भाषा सीखता है, डायरेक्ट लिखना नहीं सीखता, ठीक। तो किस पर विचार करेंगे पढ़ना, बच्चे पढ़ना कैसे सीखते हैं कि दो रूप या दो क्या है विधियां हैं उस पर चर्चा करें, मतलब पढ़ने पढ़ना सीखने की विधियों का वर्णन कीजिए, कैसे सीखते हैं बच्चे पढ़ना। अब कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म से तो बोलना सीखना देखना तो नहीं सीख जाता, क्या होता है वह पहले घर पर ही कुछ अध्ययन करते हैं, ठीक। अर्थात बच्चा क्या क्या जन्म से 3 वर्ष तक घर में क्या क्या देखकर सुनकर नकल करना बोलना गुनगुनाना उच्चारण करने की क्या करता है कोशिश करता, उसके बाद जब आप बोल लेते हैं तो क्या होता है नर्सरी KG1 KG2 में एडमिशन लेते हैं, ठीक। अब एडमिशन के बाद हमको क्या करना है पिक्चर में वह जो सीखा है उच्चारण करना देख कर सीखना नकल करना इस पर क्या करना है विचार करना, मतलब बच्चा कैसे कैच करे, हमको अगर आ सिखाना है आ तो पहले क्या बताएंगे कि आ से होने वाले जितने भी शब्द आम अनार जो भी है उस पर क्या करेंगे उसको सुनाएं, जिससे क्या होगा उसका जो बोलने का मन है उच्चारण वह खुले, ठीक। तो देखिए पहला विधि है पढ़ना सीखने के लिए दो विधि में कौन सा प्रथम पहला विधि, ठीक है। हमारे क्वेश्चन क्या था पढ़ना सीखने के लिए दो विधियों को क्या कीजिए वर्णन, तो अब बच्चा तो स्कूल आया और आते ही क्या उसको चलो बुक पकड़ो और पढ़ो करके बोलेंगे या पहाड़ा या गिनती जो भी बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्यों, जब तक हम उसको बताए नहीं या वन है या टू है या जो भी भाषा है उच्चारण है उसके बारे में बताएंगे, तो पहले वह विधि कौन सी, तो विधि का क्या करते हैं अपन ज्ञान, ठीक। तो पहला विधि है देखो और कहो, देखो और कहो, पहला विधि क्या है देखो और कहो, बच्चा मैं पहले बताया था बच्चा देख कर ही सीखता है नकल कर कर सीखता है, घर में उसकी मम्मी क्या कर रही पापा क्या कर रहे बड़े भाई छोटे बहन दादा दादी जो देखते हैं आस पास को देखते वही सिखा करता है वह सीखते हैं, तो पहला विधि क्या है देखो और कहो। तो देखिए यह शब्द विधि भी कहलाती है, इसको शब्द विधि भी कहा जाता है, कौन सी विधि को देखो और कहो विधि को शब्द विधि को बोलते हैं, ठीक है। पढ़ना सीखने की दो विधियां शब्द विधि अर्थात देखो और कहो विधि, ठीक है, मतलब जो हम शब्द बोल रहे हैं पहले क्या कर रहे हैं टीचर बोल रहे हैं कोई कविता के रूप में बोलते हैं, जैसे पहले पिछली क्लास में बताया था
कविता को दोहराना, आलू का चालू बेटा कहाँ गया, ठीक है। कविता इसको दोहराएंगे तब तक बच्चा कविता को पहले कैच करता है, चाहे उसको बोलना आए या ना आए, और किसी भी प्रकार के क्या करें उसको बोलने की कोशिश करें। लेकिन हम उसको एक एक मात्रा को अगर जोड़कर पढ़ाना चाहें तो वह पहले नहीं पढ़ पाएंगे, जब तक वह पोयम नहीं बोल पाएंगे, ठीक। पोयम को अब बिना देखे भी या ऐसे चलते खेलते भी क्या करते रहता है, कविता कहानी को गुनगुनाते रहते, ठीक है। तो क्या है, देखो और कहो ही, तो देखो और कहो ही दिन क्या है, यह शब्द विधि भी कहलाते हैं, शब्द विधि भी बोलेंगे। उसके बाद इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु, इस विधि में क्या करना है, शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। इस विधि में क्या करेंगे, पहले कोई वस्तु दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे, गाड़ी का है, मोबाइल है, फल में आम है, कोई भी फल, क्या करेंगे, चित्र दिखाएंगे उसको कि देखो बेटा यह क्या है, आम, इसको क्या बोला जाता है, आम, ठीक। तो क्या कहा गया है, इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले क्या करना, शब्द का ज्ञान कराना, ठीक है। जैसे यह आम का चित्र है, किसका चित्र है, यह आम का चित्र है, अब उससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा नहीं, इसको आम बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। तो पहला भी क्या है, देखो और कहो, दिखा फल को दिखाना बोला या आम है, उससे क्या होगा, देखेगा और वो भी बोलेगा क्या है, आम, ठीक। तो पहले दिन क्या बोल सकते हैं, देखो और कहो अर्थात शब्द, ठीक। देखो और कहो को क्या बोल सकते हैं, शब्द। दूसरा हमारा विधि है अनुकरण विधि, दूसरा क्या है, अनुकरण, ठीक। इसमें क्या है, भाषा सीखने की अनुकरण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण, भाषा सीखने की जो अनुकरण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण, मतलब जब तक वह अनुकरण करेगा नहीं, मन में ठानेगा नहीं, सोचेगा नहीं, विचार नहीं करेगा, तब तक क्या कर नहीं सकता, वह बोल नहीं पाएगा। अर्थात भाषा सीखने की अनुकरण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण, जो अनुकरण करने की क्षमता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण, तभी वह क्या कर सकता है, बोलना सीख सकता है, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या कहता है, अनुकरण विधि। जैसे देखिए अध्यापक एक एक वाक्य या शब्द तथा वर्ण का उच्चारण करता है, अध्यापक क्या करता है, आ ई उ ए, ऐसे करके एक एक शब्द, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, इसका क्या करेंगे, अध्यापक कोई भी शब्द या वर्ण का उच्चारण करता है, पहले तो आप देख दिखाकर क्या करता है, उच्चारण करता है, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे करके क्या करता हूँ, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, पहले फाइव गए, फिर बच्चों को जब तक वन टू थ्री फोर फाइव का उच्चारण नहीं होगा, उसके बाद वो क्या करता है, सिक्स सेवन एट में बढ़ते हैं, ठीक। इसी प्रकार आ है, ई है, उ ए, या इंग्लिश में हम बोलेंगे ए बी सी डी, ऐसे करके क्या करते हैं, उच्चारण करते, कोई भी वर्ण हो या शब्द हो उसको क्या करेंगे, उच्चारण। अध्यापक क्या करता है, अनुकरण विधि में एक एक वाक्य या शब्द का या वर्ण का उच्चारण करता है, ए बी, क्या उसको चित्र के हिसाब से बताते हैं, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसा। फिर क्या होगा, वो चित्र से जो एप्पल देखेगा वहां से समझ जाएगा, ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो यह हुआ अनुकरण, इसमें हम क्या करते हैं, अनुकरण शब्द की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, बालक उसको क्या करते हैं, अनुकरण करते हुए, जैसे अध्यापक क्या किया, एक एक वाक्य शब्द तथा वर्ण का उच्चारण करता है, कौन, अध्यापक। फिर बालक का काम क्या, बालक क्या करेगा, बालक उसका अनुकरण करते हुए शब्द की ध्वनि का उच्चारण करता है, जैसे हमने पहले क्या बोला, वन टू थ्री फोर, टीचर ने आप इंटर बोला, आप बच्चों उसको सुनकर उस ध्वनि को सुनकर फिर उसको क्या करेगा, उच्चारण करेगा, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक। या एबीसीडी सिखाएंगे तो एबीसीडी, फिर बच्चा उच्चारण करेगा एबीसीडी, क्या अलार्म वन टू एम, ठीक। इसके बाद यह दो विधि, किसके, पढ़ना सीखने के लिए दो विधि, ठीक है। तो हमने दो विधि को ध्यान दिया, पहला क्या था, देखो और पढ़ो, सबसे पहले बच्चे को क्या दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे, आते उसको पढ़ाना नहीं है, ना कोई उच्चारण नहीं, कोई सबसे फर्स्ट पहला काम क्या है,
चित्रों को दिखाकर उसको ज्ञात करना। कि नहीं बेटा यार एप्पल का चित्र है या डॉल का चित्र है, पिक्चर, ठीक। क्या करना है, सिर्फ उच्चारण करना है, दिखा, ठीक है। फिर तो उसको कौन से भी देखेंगे या शब्द भी बोल सकते हैं, चित्र के साथ साथ शब्द आएगा। एक बार एक बार बी फॉर वाला अगर बॉल बना दिया तो सिर्फ बॉल बनाने से नहीं कहा जा सकता, जब तक उसको उच्चारण नहीं करेंगे नाम से, अर्थात शब्द को हम क्या करना है, उच्चारण करके उसको बताना है कि यह बॉल है या आम है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, उसको देखेगा और देखकर वह भी उच्चारण करने या पढ़ने का कोशिश करेगा, बोलने की कोशिश करेगा। इससे क्या उसके रोपण जो क्षमता है उसको और तीव्र होगा। बिना किसी चीज को दिखाए बगैर यह पूछा नहीं जा सकता कि यह क्या है, या अगर हमने पहले क्या किए एक बार और उसको एक बार दिखा दें और 10 मिनट बाद सिर्फ एक बार पूछेंगे बेटा ये क्या है, तो नहीं बता पाए। क्यों, तब तक नहीं बताएगा जब तक वह उसको समझ नहीं पाएगा, जब तक वो उसका उच्चारण नहीं कर लेगा, ठीक है। ये हुआ। फिर दूसरा हमने क्या देखा था, अनुकरण। तो अनुकरण विधि में, अनुकरण विधि का अत्यंत महत्वपूर्ण विधि, जो दो विधि है उसमें अनुकरण विधि क्या है, महत्वपूर्ण विधि। इसमें क्या होता है, भाषा सीखने के या पढ़ने की, वो भी भाषा है, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा शिक्षण, ठीक। हिंदी भाषा शिक्षण को पढ़ने के लिए क्या करना है, अनुकरण विधि का प्रयोग, अर्थात भाषा सीखने की अनुकरण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे, अध्यापक एक एक पाठ शब्द तथा वर्ण का उच्चारण करता है। अध्यापक क्या करता है, शब्द को, वर्ण को या कोई भी वाक्य है उसका क्या करता है, उच्चारण करता है। फिर उच्चारण करने के बाद बच्चा क्या करता है, उसी उच्चारण के साथ साथ उसको दोहराने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग अभी क्लास 3 के बच्चों को हम लोग क्या गीत पढ़ाए थे, पिछली क्लास में मैंने एक देशभक्ति गीत में मैंने बताया था, वीर तुम पढ़े चलो धीर तुम पढ़े चलो। तो बच्चा उसको सुनकर ही उसको क्या करता है, दोहराता है। क्या करता है बच्चा, सुनकर दिखाता है। उसको अगर पोयम लिख दिया जाए और पढ़ने बोला जाए तो पहले नहीं पढ़ सकता, जब तक अध्यापक उसको क्या नहीं कर सकता, वो अनुकरण विधि द्वारा उनको उच्चारण करके नहीं बताएगा, जब तक उस गीत पोयम या कोई भाषा को उच्चारण करके नहीं बताएगा, तब तक क्या कर सकता है, उसको उस भाषा को उच्चारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या बताया, पढ़ना सीखने की क्रिया दो विधि, ठीक है। अब समझ जाएंगे पढ़ना, अगर बच्चों को बताना है तो हम अभी कौन सी क्लास की बात करें, क्लास 1 या KG 1 या KG 2, कब की बात है, जब बच्चा प्रारंभ में स्कूल आ रहा है, स्कूल आना प्रारंभ कर रहे हैं, तब की हम क्या करें, चर्चा कर रहे हैं। अर्थात बच्चा को भी क्या, उसको मालूम ही नहीं है कि पढ़ना होता क्या, KG 1 KG 2 या क्लास 1 में बच्चों को क्या है, पढ़ना कैसा है, पढ़ना किस लिए है, उसका भी क्या है, ज्ञान नहीं है, ठीक है। तब हमारी दो विधियां क्या है, इस दोनों विधियों को क्या कर सकते हैं, हम प्रयोग कर सकते हैं, कब, जब बच्चा पढ़ना सीखने के लिए है, ठीक। फिर बच्चा जब पढ़ना सीख जाएगा तब इसी अनुकरण विधि या देखो और पढ़ो विधि का क्या होगा, आगे उसका उच्चारण सही या अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा, ठीक। तो देखिए देखो और पढ़ो विधि, तो देख बच्चा देखकर सीखता, लेकिन अनुकरण विधि जो है उसको एक महत्वपूर्ण विधि के स्थान पर रखकर या उच्चारण या वर्ण के साथ साथ उसको क्या करना, उच्चारण कराना, तभी वह क्या कर सकता है, उसका ज्ञान कर सकता, ठीक। क्या हो गया, पढ़ना सीखने की चीज दो विधियां, ठीक है, जिसमें पहला देखो देखो और कहो विधि, जिसको क्या कर सकते हैं, शब्द विधि। अब शब्द विधि क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि देखकर जो शब्द है, देखने से जो शब्द बन रहे हैं उसी का क्या करना है, बच्चा उस भाषा का उच्चारण करे, इसीलिए उसको शब्द विधि भी कहा जा सकता है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए शब्द विधि किसे कहते हैं, समझाइए, शब्द विधि किसे कहते हैं, समझाइए, दो नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है, शब्द विधि किसे कहते हैं, समझाइए, तो हम किसको समझा सकते हैं, देखो और पढ़ विधियों को भी समझा सकते हैं। अर्थात शब्द विधि किसे कहेंगे, इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तुएं चित्र दिखाकर पहले शब्द का क्या कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द विधि कहा जाता है, ठीक। अगर
यही आंसर है। ठीक, तो पढ़ना सीखने की कीड़ी दो विधियों, पहला देखो और पाओ विधि, दूसरा अनुकरण। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।